काफी मजेदार चीजें आ गई हैं, इसको अनबॉक्स करने सबसे पहले। तो दोस्तों दिवाली का टाइम आ गया है और आजकल बहुत हम एक्साइटेड हैं दिवाली के लिए, लेकिन हमने कुछ गैजेट्स मंगाए हैं दिवाली के लिए और बहुत सारी लाइटें हैं। और ये वीडियो मैं 4-5 दिन पहले ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई भी इसमें से परचेज करना हो तो आप उसके लिए ऑर्डर कर सकते हैं, 3-4 दिन में आराम से डिलीवर हो जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं लेके श्री भगवान जी का नाम, जय श्री राम। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर डेकोरेटिव करने के लिए हमने लाइटें मंगाई हैं, तो सबसे पहले हम आपको लाइटें दिखाएंगे। ये लाइटें हैं और ये एक दिया लाइट है, मतलब इसमें दिया तरह का बना होता है, जब आप इसको लगा लेते हैं तब इसमें से बहुत ही मस्त लाइट जलती है और एकदम से घर में पूजा पाठ वाली दिया वाली फीलिंग्स आ जाती है, तो ये काफ़ी मज़ेदार है। और इसमें यहाँ पे आप स्विच भी चेंज कर सकते हैं और इसमें बिलिंक होने लगती है, फिर एकदम से फ्लो में चलती है, फिर लाइट बंद होती कम होती बंद होती कम होती, ये काफ़ी सही है। दूसरे नंबर पर लाइट वाइट लगाने के बाद पूजा करने का सिस्टम आ जाता है दोस्तों, लेकिन हवाओं के चलते, लहराती हवाओं के चलते दिए ये बुझ जाते हैं और किसी आने वाले की आस भी बुझ जाती, तो ऐसा अब नहीं होगा। ये कैंडल्स आपको काफ़ी मज़ेदार है और इसमें 12 का पैक आपको मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 12 लाइटें रखी हुई हैं, नीचे सेट पड़ जाता है और यहाँ पे जब इसको जलाते हैं तो एकदम से काफ़ी ठीक लाइट इसमें से जलने लगती है, तो काफ़ी सही लगती है। आप ऐसे घर में इसको लगा देंगे पूरे में, एकदम बिछा देंगे पूरी, बहुत ही मस्त लगती है देखने में, जैसे पूजा वूजा जहाँ पे आप करते हैं वहाँ पे इसको लगा देंगे तो। और इसकी बैटरी करीब 3 दिन तक चलती है, यहाँ पे 90 आवर्स का टाइम होता है, तो 4 दिन तक करीब आराम से चलती रहेगी कंपनी का कहना है, लेकिन हमको पता नहीं कितने दिन चलेगी, लेकिन दिवाली की रात तो फुल मस्ती में कटी जाएगी दोस्तों, तो ये काफ़ी सही है, आप इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तीसरे नंबर पे आ जाती है जो लाइट्स हमारी हैं, वो एक क्लिप वाली लाइट हैं और आपको ये बहुत ही इनोवेटिव लगेगी, आपने शायद पहले ऐसी लाइट देखी। तो गाइस ये हमारी कुछ लाइट्स, इनमें क्लिप लगी हैं जिनमें आप तार भी लगा के कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं दिन में, एक्चुअली उसमें लाइट भी दी गई है जो बता रहे हैं आपके कपड़े गीले हैं कि सूख गए हैं, ये मजाक की बात, साइड में जब आप इसको लगाएंगे तो एकदम से लाइट जलने लगती है। और इसमें आप फोटो फ्रेम भी अटैच कर सकते हैं और आप एकदम मन चाहिए फोटो लगा के दीवार पर एकदम जब लाइट लगेगी तो काफ़ी मस्त लगती है देखने में। और इसकी लेंथ आपको थोड़ी कम मिलती है, आप तो सबसे पहले आपको 2 परचेस करनी पड़ेंगे अगर आप कोई लगा रहे हैं, मैंने थोड़ी बड़ी वाली ली थी जो काफ़ी अच्छी लगती है रात में, मैंने आप दिवाली में कोई भी फ्रेम व्रेम लगा सकते हैं इसमें मस्त तरीके से, काफ़ी अच्छी लगेंगी दोस्तों। दिया भी जला लिए, मोमबत्ती भी जला ली और पूजा भी कर ली और उसके बाद क्लिप वाली फ़ोटो भी सुखा ली, उसके बाद टाइम आ जाता है कुछ रंगीन पीने का। अभी आपको एक्चुअल में लग रहा होगा कि ये एकदम से सारा कप एकदम कोई इसमें कोई जादू वादू नहीं है, अभी पानी भरा हुआ था, अभी हम जादू इसका देखेंगे। तो दोस्तों इसका जादू होता है जब इसमें आप पानी डालेंगे कोई भी चीज, ओ लाइट कितनी मस्त जली एकदम से रंग बिरंगी, आप रात हसीन जाम हसीन वो आप शायरी इसमें बन जाती है, काफ़ी मस्त लगती है पीने में एकदम से। बियर बियर डालो एकदम येलो कलर में और ज़्यादा रिफ्लेक्शन आएगा, एकदम मस्त तगड़ी तगड़ी लाइटें जलेंगी, आप पीने में मज़ा आ जाएगा, पेट में भी आपके लाइटें जलेंगी तो खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी लाइटें बुझा दी, उसके बाद देखेंगे कि लाइटें इसमें काफ़ी ओह मस्त लग रही है, एकदम दारू पार्टी वाली, बार बार में इसको आप यूज़ कर सकते हैं घर में, काफ़ी सही है, आप 150 रुपये में इसको आपको मिल जाता है, इसके पैक आप खरीद सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार आएगा उसको आप दे सकते हैं इसे जला के, वो डर जाएगा एकदम से क्या दिया है आपने। तो गाइस अब आपको दिखाता हूँ मैं 4th नंबर पे एकदम से मस्त कलरफुल वाली लाइट, ये एक RGB लाइट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर में और ये कलर चेंज करती रहती है और इसका रिमोट भी दिया गया, टोटली ये रिमोट कंट्रोल है, आप चाहे वो कलर इसमें लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आप इसे अगर अपने वॉल पे भी सटा के रख देंगे तो काफ़ी मस्त रिफ्लेक्शन देती है। और यहाँ पे आपको रिमोट मिल जाता है जिसमें बहुत सारे आपको कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, RGB, यहाँ पे ब्लू से बनने वाले सारे कलर है और यहाँ से ग्रीन से बनने वाले सारे कलर है, यहाँ पे रेड से बनने वाले एकदम मस्त गुलाबी गुलाबी एकदम से पीला पीला हो जाएगा। और यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं इसको, आप यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं ऑफ हो जाएगी, ऑन करने के लिए बटन है ऑन हो जाएगी। और इसकी ब्राइटनेस भी आप कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, रेड लग गया दोस्तों रेड कलर लग गया, उसके बाद हम ग्रीन लगाएंगे, ग्रीन वाला कलर आ गया, उसके बाद हम यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, हम लाइट पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा, ब्लू लगाएंगे ब्लू वाला कलर आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी लाइट हम कम कर सकते हैं ब्लू वाइट दोस्तों, देख पा रहे हैं यहाँ पे आपकी कम लाइट हो जाएगी बिल्कुल, जितनी आप चाहें उतनी आपकी लाइट कम हो जाएगी, उसके बाद यहाँ पे आप इसकी लाइट बढ़ा भी सकते हैं। तो वैसे हमने आपको पेड़ दिखाए थे पहले, पेड़ों में मतलब लाइट वाइट लगी थी, मैंने उस वाले पेड़ में लगाई थी और इस पेड़ में भी लगा सकते हैं छोटी वाली लाइट, लेकिन आज हमने ऐसे पेड़ मंगाए मतलब खुद से लाइट जलती है RGB वाली। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से पौधे दिख जाते हैं, यहाँ पे लाइट लगी हुई काफ़ी मस्त लगती है रात में, और जब बोर्ड में लगाते ना तो एकदम से। और इसके एक खास बात है, एक्चुअली में मुझे भी नहीं पता था, मैंने सोचा था डिफेक्टिव पीस आ गया, मैंने क्यों बोला मैंने ये तो खराब, फिर उसमें एक अलग से पर्चा डला था, उसमें लिखा था कि कृपया इसे अंधेरे में ही यूज़ करें तभी जलेगी, तो हमने कहा ऐसा इसमें क्या है मतलब देखने वाला। तो यहाँ पे नीचे एक्चुअल में इसके सेंसर दिया गया, जब अंधेरा होता है तो ये सेंसर पे लाइट बिल्कुल नहीं पड़ती है, तो इस वजह से ये अपने आप एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब लाइट जलती है तो ये बुझ जाते हैं, क्योंकि इनकी लाइट बहुत सी छोटी होती डिम, तो बड़े बड़े के सामने इनकी लाइट नहीं चल पाती, तो उसके लिए ना आप इसे रात में यूज़ करेंगे तो रात में यूज़ करने में काफ़ी अच्छी लाइट जलती है, लाइट चेंज भी होती रहती है इसमें,
और लाइट चेंज होने के साथ साथ ये काफ़ी अच्छे हैं। और मतलब लाइट अगर हम बार बार मैं ऑन करके दिखाऊँगा, ऑफ़ करके दिखाऊँ, तो यहाँ पे भी चलती रहती है लाइट भी, और जैसे ही कोई दूसरी लाइट जलती है तो इसकी लाइट ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली, सेंसर जो लाइट होती है उसे डिटेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों अब बारी आ गई है सबसे आखिरी में चीज़ करने की, जाम बाम पीने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद, लाइट वाइट जलाने के बाद मन करता है आपको चाँद देखने का। और ऐसे में अगर आपका कोई भी करीबी आपको बोलेगा मेरे लिए चाँद तारे तोड़ के लाओ, तो आप उसको डेफिनेटली ये वाला चाँद दे सकते हैं। तो नॉर्मल देखने में एकदम अंडा सा लगता है मतलब, लेकिन यहाँ पे इसका एक मुझे प्रॉब्लम लगी, इसमें स्विच बहुत छोटा है दोस्तों, उंगली घुसाने से नहीं घुसती है, यहाँ पे उंगली से नहीं इसे ऑन कर सकते, औजारों से इसे चालू करना पड़ता है दोस्तों। चालू करते मस्त लाइट जल जाती है, काफ़ी लाइट चेंज हो सकती है एकदम से, आप इसको चांद दे सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। हमने भी फोटो खींची थी, हमने रखी मस्त मस्त ऐसे लगा के। पोज देखे मतलब रिप्लाई भी आ गया, तो मेहनत की तो डीपी अच्छी है आपकी। और इससे आप जब खेलते रहते हैं ना, नॉर्मली खेलने पे भी इसमें लाइट चेंज होती रहती है, जैसे आप इसको उछालेंगे जैसे गिरती है, इसमें एक्चुअल में सेंसर लगा हुआ है तो उससे लाइट अपने आप चेंज होती रहती है। और कंपनी ने यहाँ पे मस्त फर्नीचर वाली लकड़ियाँ भी भेज रखी हैं, हम सबसे पहले इसको बना लेंगे, इसके बाद ट्राईपॉड है ये इसको लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे बन चुका है हमारा अतरंगी एकदम पजल वाला, इसको रखने के बाद एकदम से हम इसको टच करेंगे, लाइट जल जाएगी, काफ़ी मस्त है। और यहाँ पे इसे आप रख सकते हैं, रात में पढ़ाई करेंगे आप एकदम से लाइट सारे रूम के ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद हमने बहुत सारी मस्ती की इससे, एकदम से तरह तरह की अमेजिंग फोटो खींची है। और एक्चुअल में इसमें बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, ब्लू कलर का मिल जाता है इसमें, येलो कलर का मिल जाता है, एक्चुअल में पूर्णिमा के दिन आई थिंक ऐसा होता है येलो। उसके बाद आपको इसमें ब्लू बहुत सारे कलर चेंजिंग आपको मिल जाती है, जैसे आप टैप करेंगे इसमें धीरे धीरे इसमें लाइट अपने आप कलर चेंज होते रहते हैं। दोस्तों थप थप भी मारी जा रही, काफ़ी मज़ेदार है चांद, आप किसी को गिफ्ट करेंगे तो आपके लिए फैन हो जाएगा। तो भाई दीज आर सम यूजफुल लाइट एंड बहुत ही मज़ेदार गैजेट्स मुझे लगे, और मुझे मून लाइट वाला तो काफ़ी मुझे डेफिनेटली बहुत ही पसंद आया मेरे को, और जो लाइट थी सभी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, तो तभी मैंने ये मंगाई थी। और आप कोई भी इसमें से खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने सभी के लिंक दे रखी है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और मेरी तरफ से आप सभी को एडवांस में हैप्पी दीपावली, खुश रहिए और हंसते रहिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस।